ठीक होंगे। तो आज हम सिंपल प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। सिंपल प्लाजो की कटिंग हमने पहले वीडियो में बताई है आपको, और उसी ही सिंपल प्लाजो की आज हम स्टिचिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल पर आप मुझे ढेर सारा प्यार दें। तो चलो, सबसे पहले हम फिरकी में धागा डाल लेते हैं। में धागा डालना है तो धागा इस तरह ऊपर की तरफ होना चाहिए, और इस तरह हमने पत्ती में धागे को लगा देना है। तो अब हम वक्त सीटल में लगाते वक्त डब्बी को आपने इस तरह तीनों फिंगर से, और ये अंगूठा इस तरह होना चाहिए, तो इस तरह पकड़कर आपने डब्बी को सीटल में लगा लेना है, और फिंगर से ऐसे प्रेस करना है तो एकदम कट की आवाज आती है। तो सबसे पहले हम यहां धागा लगाएंगे, उसके बाद हमने इस जगह धागा लगाना है, और फिर हमने यहां धागा डालना है, और उसके बाद हमने सुई में धागा डालना है। अब हमने थोड़ा सा मशीन को चलाना, और जो डिब्बी में धागा है उसको हमने बाहर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमने आसन को सिलना है, ये आसन है, तो हम आसन की तरफ से सिलाई लगाएंगे। आसन पे हम दो सिलाई लगाएंगे। अब हमने दूसरी तरफ भी आसन पर इसी तरह सिलाई लगा लेनी है जैसे पहले हमने आसन पे लगाई है। इधर से भी हम सिलाई को डबल कर देंगे। अब हमने नेफे के लिए फोल्ड करना है। जितना भी आप इलास्टिक डाल रहे हो उसी हिसाब से आपने फोल्ड करना है। तो मैं जो इलास्टिक डालूंगी वो 1 इंच चौड़ा है, तो हमने 1 इंच चौड़े के हिसाब से ही नेफे को फोल्ड करना है। जितना इलास्टिक है उसी हिसाब से ही हमने नेफे को फोल्ड करना है। अगर आप इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ा डाल रहे हो तो आप नेफे को उसी तरह फोल्ड करें। तो हमने इस तरह एक बार फोल्ड करना है, और फिर थोड़ा सा फिर फोल्ड करना है हमने इस तरह करके हमने इसको फिर फोल्ड कर लेना है। तो हमने यहाँ एक एक पैर की सिलाई लगानी है।
तो हमने यहाँ 1 इंच का बीच में गैप रखना, 1 इंच पे हमने सिलाई नहीं लगानी, हम लास्टिक डालेंगे। हम लास्टिक डालेंगे, जितनी भी आपकी हिप है उसका हाफ कर लें, जैसे 42 इंच इसकी हिप थी तो उसका हम हाफ कर लेंगे 21 इंच, और उसमें हम 7 इंच और ऐड करेंगे, 21 और 7 28 इंच, 28 इंच हमने लास्टिक लेना है। जितनी भी हिप हो उसका हाफ करें और उसमें 7 इंच और जोड़ लें। तो ये एक हमने हेयर पिन ली है, बिल्कुल आसान तरीका है लास्टिक डालने का और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें लास्टिक डालने में। तो ये हेयर पिन है, तो हेयर पिन के अंदर हमें इस तरह लास्टिक को लगा देना है, बहुत जल्दी लास्टिक डल जाता है। तो इधर से हमने जो 1 इंच का गैप छोड़ा था उसमें हमने लास्टिक को पिन को डालना है, और जिस तरह आप नाला डालते हैं ना, डोरी डालते हैं नेफे के अंदर, उसी तरीके से आपने लास्टिक को डालना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता लास्टिक डालने में। जो नए सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है लास्टिक डालने का। अब हमने पिन को निकाल लेना है। अब हमने लास्टिक को सीधा करके, यहां हमने दोनों लास्टिक को मिलाकर 3 से 4 सिलाई हमने लगानी है। अब हमने इस तरह लास्टिक को खींचकर अच्छे से सेट कर लेना है। लास्टिक डालने के लिए जो हमने 1 इंच जगह छोड़ी थी उस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। फिर से हम दोबारा लास्टिक को थोड़ा सेट कर लेंगे और लास्टिक के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से लास्टिक है जो अच्छे से सेट हो जाता है। ने एक हाथ से इस तरह खींचकर सिलाई लगानी है। अब हमने पोंचे वाली साइड से 1 इंच फोल्ड करना है। आप पहले इस तरह फोल्ड करें और फिर एक बार और इसे थोड़ा सा फोल्ड करें, और इस तरह हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है।
अब हमने दूसरे पोंचे पे भी इसी तरह एक इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने उल्टी तरफ लगानी है, सीधी तरफ नहीं लगानी। इस तरह उल्टी तरफ आप फोल्ड करें एक इंच और उसके बाद सिलाई लगा लें। हमने इस तरह पोंचे को डबल करना है और 12 इंच पे निशान लगाना है। आपने जितना पोंचा रखना है वहीं निशान लगा लें। चौक से आप निशान लगा लें और उसके बाद जहां हमने निशान लगाया वहीं से सिलाई शुरू करनी है हमने। अब ये जो आसन की सिलाई है, दोनों आसन की सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक आसन की सिलाई ज्यादा और दूसरे की कम हो। तो हमने आसन की सिलाई से सिलाई मिलाकर हमने सिलाई करनी है आसन पे। इधर से भी हमने 12 इंच पोंचा रखना है तो हम निशान लगा लेंगे 12 इंच पे। सिलाई को हम डबल करेंगे। अगर आप सिलाई को डबल नहीं करोगे, ऐसे सीधा कट कर लोगे, तो यहाँ से वो जो है पोंचा है वो उधरता रहता है, लोप नहीं होगा पोंचा। इसको हम लोग बैक करके थोड़ी सिलाई करेंगे कि यहां से ये पोंचा लॉक हो जाएगा। तो प्लाजो की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। वो आसान तरीके से प्लाजो की सिलाई हो जाती है, सिंपल प्लाजो की। तो देखो प्लाजो सिलकर है जो वो तैयार हो चुका है। देखो तो इस तरह सिलाई करना बहुत आसान है सिंपल प्लाजो की। तो जब भी आप स्टिचिंग सीखने जा रहे हो तो आप सबसे पहले सिंपल प्लाजो की स्टिचिंग करें। जब आप सिंपल प्लाजो को सिलना सीख जाओगे तो बाकी के पैंट प्लाजो या ट्राउजर वो बनाने तो बहुत आसान हो जाते हैं। सबसे पहले हम जब स्टिचिंग
सीखना शुरू करते हैं तो पहले हमने छोटे बच्चों के कपड़ों पे ही सीखना होता है, जैसे फ्रॉक बनाना बच्चों की, छोटी सी पजामी बनाना बच्चों की, और फिर उसके बाद जब हाथ थोड़ा टिक जाता है, हाथ थोड़ा स्टिचिंग में चढ़ जाता है, हाथ में थोड़ा सफाई आने लग जाती है, तो उसके बाद हम शर्ट या प्लाजो इस तरह से स्टिचिंग सीखना स्टार्ट करें तो हाथ में थोड़ा सफाई भी हो जाएगी और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होती जाएगी, और फिर जब आप स्टिचिंग या सिलाई करोगे तो आपको बहुत इजी होएगा आगे के लिए सीखना। जैसे अस्तर वाले शर्ट सीखना, पहले आप सिंपल शर्ट से स्टार्ट करें, पहले सिंपल शर्ट को सीखिए आप, जब तक वो नहीं आती तो उससे आगे आप स्टेप मत लें। तो ऐसे जब आप लगन से सीखोगे तो सारी चीजें इंसान को आ जाती हैं, क्योंकि सिलाई सीखना भी बहुत आसान है लेकिन दिमाग की बात होती है। फिर 15 दिन मैंने स्टिचिंग सीखी थी और 15 दिन में मैं इतनी परफेक्ट हो गई थी कि जो मर्जी मैं डिज़ाइन मेरे को कोई कस्टमर दिखाता है तो मैं वो ही कंप्लीट कर देती हूँ। तो दिमाग की बात है, कई लोग 6 महीने भी लगा देते हैं, इतने सिलाई में परफेक्ट नहीं होते, तो सब दिमाग की बातें होती हैं। जब भी कोई काम सीखो लगन से सीखो, क्योंकि मैं जो भी काम सीखती हूँ मेरे को इतनी लगन होती है, इतना जुनून होता है कि ये मैंने जल्दी सीखना है, तो वो काम हो जाते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है सिलाई सीखने में, कि नहीं मेरे को नहीं आएगी सिलाई, तो सिलाई सीखते वक्त गलतियाँ भी होती हैं। तो हमने सोच को नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव सोच को लेकर हमने सिलाई सीखनी है और जल्दी ही हम सिलाई में परफेक्ट हो जाते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।